हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कराने वाले हैं बिहार की जनगणना, और आप हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनको आप देख रहे हैं। यहाँ पे बिहार की जनगणना हम लोग आज कराने वाले हैं। और देखिए, बिहार की जनगणना में जितने भी हम आपको कंटेंट अगर यहाँ पे दे रहे हैं, अगर आप नोट भी कर लेते हैं या एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, तो आप देखिएगा, आप इसको पढ़ने के बाद बीपीसी का जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं वो ज़रूर उठा के देखिएगा। दारोगा के जितने भी बिहार से संबंधित जनगणना पूछे गए हैं उसको भी देखिएगा, और जहाँ जहाँ से जो भी कंपटीशन में अगर बिहार से संबंधित जनगणना में अगर पूछा गया है तो आप जरूर इसे देखिएगा, आपको एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। इसकी मतलब समझिए कि गारंटी है कि नहीं छूटने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेंगे, 10-15 मिनट में आपका टोटल हो जाएगा। और छोटे छोटे जो आपको कंटेंट है ना, इसको ज़रूर पढ़ा करिए, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है और क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ अभी क्लास जो है, हम लोग अभी बीपीएससी और दारोगा के लिए, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है वो बिहार शिक्षक जो भर्ती 2023 अगस्त में होने वाली है उसके लिए चल रहा है। और इसमें ये है कि अगर आप जैसे सुबह वाला अब क्लास देखते हैं तो आपको वहाँ पे सुबह में करंट मिल जाएगा, हिस्ट्री डेली चलता है आपको, आपको ज्योग्राफी डेली चलेगा, पॉलिटी भी है, और आपको इस तरह से जो बिहार का आपको जनगणना है, भारत का जनगणना है, बिहार का बजट है, भारत का बजट है, और आपको ये वन रिपोर्ट, बहुत सारा चीज़ें आपको कराया जाएगा छोटे छोटे में, और सब्जेक्ट भी है जो मतलब शुरुआत हो गया है सब चीज़ पूरे टाइम के अनुसार में। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे बिहार की जनगणना हम लोग करते हैं, और बिहार की जनगणना 2011 से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 का जनगणना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 को लॉन्च किया नहीं गया, जब हो जाएगा तो उसके लिए भी आपका मतलब समझिए कि एग्ज़ाम के व्यू से वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन सर दर्द हो जाएगा तब तक आप 11 पढ़ते हैं। देखिए, बिहार की जनगणना 2011, कहा जाता है कि यह जो भारत की 15वीं जनगणना है, ठीक है, यह भारत की कौन सी जनगणना है, यह भारत की 15वीं जनगणना है, ये याद रहना चाहिए कि 15वीं जनगणना है। और जो पूछा जाता है कि भाई इस 15वीं जनगणना का नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये नारा है इसका, नारा किसका है, ये जनगणना 2011 का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये जनगणना दो चरणों में संपन्न कराया गया था। देखिएगा, भारत में जनगणना कराने का प्रक्रिया, जैसे अगर आप शेड्यूल ट्राइब एरिया में अगर जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। जैसे आप देखते हैं, अगर आपको अंडमान निकोबार के जनजातियों का अगर कराना हो तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं उस नदी और समुद्र के तट पे क्या करते हैं, बहुत सारा फल मतलब बहुत सारा जो खाद्य सामग्री होता है उसको वहाँ पे रख दिया जाता है, और क्या होता है कि जनजाति उसे देख करके वो दौड़े दौड़े सभी जो जनजाति जितने भी होते हैं, लड़का लड़की बूढ़े जो भी लोग होते हैं, सभी दौड़ के आते हैं और वहाँ पे उनकी जनगणना कर लिया जाता है। वहाँ पे लोग जाते नहीं हैं उनसे, जिस तरह से हमारे यहाँ लोग पहुँचते हैं, टीचर लोग पहुँचते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने ये जो कैटेरियाज है उसको पूछा जाता है, वहाँ पर नहीं पूछा जाता। तो ये दो चरणों में हुआ। तो जनगणना आयुक्त अगर पूछ देता है कि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था, तो सी चंद्रमौली हो जाएंगे। और सी चंद्रमौली के पहले अगर जनगणना आयुक्त की बात किया जाए तो यहाँ पे देवेंद्र कुमार सिकरी हो जाएंगे। और 2021 की बात किया जाए वर्तमान में, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर विवेक जोशी हो जाएंगे। पूछा जाता है अक्सर कि किस जनगणना को विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ये 1921 का हो जाएगा। कहा जाता है कि ये जो जनगणना है इसका संचालन कौन करता है, तो यहाँ पे देखेंगे गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद देखिएगा 1948 के प्रावधानों की मतलब जो 1948 का जो प्रावधान है इसके अंतर्गत ही इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब सोच के देखिएगा 1948 के अंतर्गत, तो सबसे पहले गृह मंत्रालय की बात किया, तो गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री उस समय कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले इसे क्या किया था, पेश किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ही इसको पेश किया था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिएगा
ये जनगणना जो है अधिकतर पूछा जाता है कि भाई कौन सा, जैसे पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, सेना हो गया, ये कौन सा विषय, मतलब कौन सा सूची का विषय है। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्चुअली हम जो पॉलिटी में आपको कराएंगे तो वहाँ पे सारा करा देंगे, यह संघ सूची का विषय है। पूछा जाएगा भाई कि ये जो जनगणना है किसका विषय होता है, राज्य का होता है या समवर्ती सूची का होता है या संघ का होता है, तो आपको याद होना चाहिए यह संघ का विषय है, संघ का विषय है। कहता है कि सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या, सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुसूची जब पढ़ेंगे तो अनुसूची में आपको सातवीं जो अनुसूची है, ठीक है, उसमें क्रम संख्या 69 में क्या किया, इसका वर्णन किया गया, किसका, जनगणना का। ठीक है, उसके बाद देखिए कहा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था, प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, पूछा जाएगा कि प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था, तो 1872 में हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। लेकिन ये लगातार नहीं हो रहा था, यह नियमित नहीं था, अनियमित था। तो नियमितता किसके समय में आई, ये देखिए, नियमित जनगणना हुआ 1881 में, 1881 में जनगणना नियमित रूप से होने लगा, और उस समय लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के समय में यह नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उस समय से अभी तक की, तो कौन सी जनगणना है, तो देखिएगा वो 15वीं जनगणना हो जाएगी। यह भारत की जो 2011 की जनगणना आप देख रहे हैं, वो भारत की 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता बाद की अगर बात किया जाए तो यह जनगणना 7वीं जनगणना है। ठीक है, यह जनगणना यानी कि देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद यह जनगणना 2011 की जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बिहार की जनसंख्या, देखिए बिहार की जनसंख्या 2021 वाला दे देता रिपोर्ट, तो उसमें जनसंख्या समझिए कि बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ तक कि जातीय जनगणना की अगर बात किया जाए तो जातीय जनगणना बहुत ही विरोधाभास हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट भी इसको कम से कम इसको रोक के रखना चाहती है, ताकि बहुत सारा चीज़ें जातीय जनगणना जब कराएंगे तो उसमें डिस्कशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है। ठीक है, कहता है कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, पूछा जाता है, पूछ देगा किसी भी कंपटीशन में। तो ये देखिए कभी कभी आपको लिख देता है 10.40 करोड़। ठीक है, इतना ही लिख देता है, तो अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, 10,40,00,000 और 99,452 करोड़ है। ठीक है, इतना आपका जनसंख्या है किसका, बिहार का। उसके बाद पूछता है कि इतने जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितना है और इतने जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखिए पुरुष की जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 52% है, यानी कि 52.14% क्या है, पुरुषों की जनसंख्या, कहीं ना कहीं महिलाओं की जनसंख्या से ज़्यादा क्या है, पुरुषों की जनसंख्या। अब देखिए महिला जनसंख्या की बात की अनुपात में अगर पूछ दिया तो ये देखिए 47.86% है, कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है 52% एक्चुअली मान लीजिए, और महिला का जनसंख्या कितना है 47%। कहता है कि कुल जनसंख्या में 8.6% लोग ही, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में 8.6% ही लोग कहाँ, बिहार में निवास करते हैं, ये पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिए, VBI आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ये VBI याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब पूछा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बिहार में कौन सा ऐसा जिला है, बिहार में 38 जिला है और 3800 जिला में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो कम से कम 4-5 क्रम जरूर याद रखना चाहिए, कम से कम नहीं भी तो 3 क्रम जरूर याद रखना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला का है तो पटना है, अगर पटना को हटा दे और ये चारों दे दे तो पटना के बाद कौन हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 और 4 क्रम में जरूर याद रखते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आजकल पूछने लगे हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पटना के बाद पूर्वी चंपारण, और पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी, और मधुबनी के बाद कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद होना चाहिए, क्रम में अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाएगा पटना, और पटना के बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण जहाँ महात्मा गांधी गए हुए थे। उसके बाद उस मुजफ्फरपुर से अगर इधर से आप जाएंगे, पटना से अगर जाना हो अगर पूर्वी चंपारण में, तो फिर मुजफ्फरपुर होकर के आपको जाना हो, उसके बाद है मुजफ्फरपुर, उसके बाद देखिएगा मधुबनी हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या होगा, गया हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में 2 जगह यानी कि पटना में और गया, और उत्तर बिहार की बात करें ये 3 हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल्स मत करिए, बस इतना जाने कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो पटना में है,
और पटना के बाद कौन सा है? पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के बाद कौन है? मधुबनी, और मधुबनी के बाद गया, बोध गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखिए न्यूनतम, उसके बाद हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या कर ली, उसके बाद करते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला, अधिकतर लोगों को अधिकतर शेखपुरा और शिवहर में प्रॉब्लम हो जाता है, तो शेखपुरा होगा ये। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, उसके बाद शिवहर हो जाएगा, उसके बाद अरवल हो जाएगा, लखीसराय होगा और जहानाबाद हो जाएगा। हमने इसलिए दिया तीन चार क्रम, इसलिए दे दिया, पांच दे दिया, ताकि एक बार प्रश्न पूछा हुआ था। अगर आप लिंगानुपात की बात करेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, साक्षरता की बात करेंगे तो क्रम में जो सबसे पहला होता है उसको हटा देता है, दूसरा तीसरा पूछ देता है, ठीक है। और आपको कम से कम तीन जो क्रम उसको याद रखना चाहिए। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा और जहानाबाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ बिहार में? तो 25.42%, याद रखिएगा। दशकीय वृद्धि कहने का मतलब हो जाएगा 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में जनसंख्या जो है 10 सालों में कितना वृद्धि हुआ? तो यहाँ पे देखिए 25.42% की वृद्धि हुई थी, कितना हुआ था? 25.42% की वृद्धि हुआ था, कहाँ? तो बिहार में। उसके बाद देखिए कहता है कि इसमें सर्वाधिक कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 10 सालों में, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, बीपीसी में पूछा हुआ है यह प्रश्न, ये देखिए आप लोग अगर बनाते होंगे या एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चला होगा। इसका आंसर हो जाएगा कौन? मधेपुरा हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? मधेपुरा में हुआ, और मधेपुरा के बाद दूसरा किशनगंज आ जाता है, ठीक है, किशनगंज आ जाता है, उसके बाद अररिया आ जाएगा, और उसके बाद खगड़िया आ जाएगा, और उसके बाद पूर्वी चंपारण आ जाएगा, ठीक है। पूछा गया प्रश्न इसमें, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? सबसे ज़्यादा दशकीय 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? तो मधेपुरा में हुआ, और मधेपुरा के बाद किशनगंज पूछा गया है। बीपीसी में देखिएगा तो मधेपुरा को हटा दिया है और किशनगंज दिया हुआ है, तो इसलिए हमने आपको दो तीन क्रम दे दिया कि भाई अगर मधेपुरा ना भी पूछता है तो कोई बात नहीं है, आपको किशनगंज याद है, और किशनगंज के बाद देखिए अररिया, अगर मानते इसको हटा दे और क्रम में अगर दे दे तो आप आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ है वो देखिए गोपालगंज, और गोपालगंज में पता है लिंगानुपात यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ? गोपालगंज में हुआ, गोपालगंज के बाद अरवल, अरवल के बाद दरभंगा, और दरभंगा के बाद रोहतास, और रोहतास के बाद मुंगेर हुआ, ये न्यूनतम हुआ। न्यूनतम कहाँ हुआ? गोपालगंज में, और सर्वाधिक कहाँ हुआ? मधेपुरा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ये देखिए जनसंख्या घनत्व कह रहा है, ये जनसंख्या घनत्व से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में, दारोगा में प्रश्न पूछा हुआ है, बिहार के कंपटीशन में, यहाँ तक कि आपको उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी प्रश्न पूछ दिया गया है, और इसलिए देखिएगा ये जो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओह गले में भी अजीब हो जाता है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जनसंख्या घनत्व देखिए 2011 में बिहार का जनघनत्व कितना था, तो याद रखिएगा बहुत बीबीआई है 1106, इसको जुबान पे याद रखिए कितना है 1106। तो इसके पहले यानी कि 2001 में कितना था, तो 881 था, देखिए कितना बढ़ते जा रहा है। लैंड जो है, लैंड तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इस पे निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ते जाएगी, तो जनघनत्व क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है, 1106 है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है भाई, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये देखिए शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। शिवहर के बाद किसका स्थान आता है? पटना का स्थान आता है। आप लोग कहीं मुसल्लापुर हाट में होंगे तो आप देखते होंगे कितना कंजेस्टेड एरिया है, अगर जाना हो यहाँ से गांधी में तो देखिए हालत ख़राब हो जाएगा, 10 मिनट के रास्ते में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगाना पड़ता है, इतना ज़्यादा जाम रहेगा। स्टूडेंट एरिया है भाई, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, और हम लोग कभी कभी निकलते हैं तो मुश्किल हो जाता है, मतलब समझिए कि यहाँ भिकनापाड़ी तक जाना भी मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर, और शिवहर के बाद पटना, और पटना के बाद कौन हो जाएगा? दरभंगा, ठीक है, याद रहना चाहिए। हम एक नहीं करा रहे, तीन करा रहे, ताकि कम से कम आपकी क्वेश्चन ना छूटे किसी भी हालत में। और प्रश्न पूछा भी गया, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106 है। ये 2011 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? 1106 है,
ठीक है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो शिवहर है, शिवहर के बाद पटना है, और पटना के बाद दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा, भाई सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर और भभुआ, ये दोनों हो जाएगा, कैमूर और भभुआ दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जमुई और बांका, ठीक है, न्यूनतम में कौन आ जाएगा, कैमूर और भभुआ, न्यूनतम में कैमूर और भभुआ आएगा, जमुई और बांका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आया हम लोगों का लिंगानुपात। लिंगानुपात में होता है क्या है कि कितने पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार, जैसे ये 2011 के अनुसार कहता है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। सोच के देखिएगा, 918 है, ठीक है। और 1000 पुरुष में कितना हो जाएगा, 918, यानी कि कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, ये 82 जो लड़के हैं, 82 लड़के को लड़कियां नहीं मिल पाएगी, वो शादी नहीं कर पाएंगे, बिना शादी के रह जाएंगे, इनके पास बड़ी मुश्किल हो जाएगा, या तो कहीं पश्चिम बंगाल झारखंड कहीं ना कहीं से हो जाता है इस तरह से जुगाड़। लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है, हमारे बिहार की जनगणना 918 है, जो लिंगानुपात है 918 है, यानी कि 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितना है उसको लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितना है, यहाँ लड़कियों की संख्या कितना हो जाता है कि 918। इसके पहले 2001 की बात करें तो एक ज़्यादा था, ये देखिए 919 था, ठीक है, ये घट गया है। और एक चीज़ देखते हैं, जहाँ जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वहाँ पे लिंग जो भेद होता है ये नहीं किया जाता है, भ्रूण हत्या ज़्यादा नहीं होती। जैसे आप देखिएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पे लिंगानुपात भी ज़्यादा होता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप केरला में चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग मिलेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे लिंगानुपात भी सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। और जनजातियों में सबसे ज़्यादा होता है, देखिए जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो खास करके जो समाज रहता है ना, और जो बात करते हैं हम लोग शेड्यूल ट्राइब का, जैसे आप जहाँ जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे लड़कियों की जो वैल्यू है, उनकी जो मान्यता है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनकी जो स्वतंत्रता है, इसकी बात कर दें, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये है लिंगानुपात। तो हम लोगों ने 2011 के अनुसार कितना देखा बिहार की लिंगानुपात, 918, ठीक है। तो कब पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर दिया जाए तो गोपालगंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, सर्वाधिक में गोपालगंज आ जाएगा। गोपालगंज के बाद सिवान और सारण आता है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ, गोपालगंज, ठीक है, और सिवान और सारण, ठीक है। देखिए गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला प्रश्न पूछ दिया है और पूछने की संभावना बार बार बनती है, सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी से प्रश्न बनते हैं सबसे। और देखिएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो हो जाएगा मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर, और भागलपुर के बाद हो जाएगा खगड़िया। सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा गोपालगंज, और न्यूनतम हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं शिशु लिंगानुपात भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना हो जाएगा, 935 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, 935। शिशु लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष के बीच में, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में बच्चों की जो जनगणना होती है उसी को, उसी में जो लिंगानुपात होता है उसी को 935। देखिएगा इतना ही से मतलब कम होगा, तभी तो जाके धीरे धीरे जब बच्चे सयान होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जब शादी की उम्र तक आते आते यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 918। तो देखिए कहता है कि शिशु लिंगानुपात कितना है बिहार में, तो 935 है, याद होना चाहिए। उसके बाद पूछता है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, ये किशनगंज है, किशनगंज में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल जिला है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ पे, किशनगंज में, कितना है, तो 971 है। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, किशनगंज है, और किशनगंज में कितना है, तो 971 है। पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है शिशु लिंगानुपात वाला, तो देखिएगा ये है वैशाली, कितना है, तो 904 है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये वैशाली हो जाएगा, 904 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे देखते हैं सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कहाँ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा जिला है, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा।
वो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी चंपारण हो जाएगा। दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा। ये लिंगानुपात हो जाता है और ये जनसंख्या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, कहता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक किसका है, तो किशनगंज का है। लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। और कहता है कि सर्वाधिक शिशु जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ष के बीच में, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और कम किसका है भाई, तो शेखपुरा का हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर हम लोग देखते हैं कितना, 2011 के अनुसार, ठीक है। 2011 में हम लोग यानी कि 61.80% बिहार के लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, यानी कि भारत के सारे यानी कि राज्यों की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य एजुकेशन में कौन है, तो बिहार है। कितना प्रतिशत लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं, तो 61.8% लोग, ठीक है, 61.8% याद रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा कितने में पुरुष कितने पढ़े लिखे और महिला कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो पुरुष पढ़े लिखे हैं 71.2% और महिला कितना पढ़ी लिखी है, 51.2%, ठीक है, 5% हो जाएगा, 51.5% हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर निकालिएगा तो अभी भी देखिएगा 20% ज़्यादा पुरुष ही पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी लड़कियां मतलब लड़कों की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी हैं, यानी कि 20% बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है 2021 में, पता नहीं इसका क्या आंकड़ा है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। लेकिन एक चीज़ और ही भी है, 35% अगर आरक्षण की दे दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो देखिएगा एकदम भूचाल आ गया है, लड़कियां आप तेज़ी से पढ़ने लिखी लिखने लगी है, और नीतीश सरकार की गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया जा रहा है और उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी किया जा रहा है, और सरकार के साथ साथ मतलब परिवार के जो गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, वो लोग भी अपने बच्चों की तरफ, खास करके लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। रोहतास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित है। यहाँ पे कितना परसेंट है ये थोड़ा सा याद रखेंगे, 73.37% लोग साक्षर है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है, पटना है और भोजपुर है। रोहतास है, पटना है, भोजपुर है, इसके समय में पटना था। देखिए पटना के लोग पढ़ते उठते हैं नहीं, और पटना के लोग ऑफिसर भी ज़्यादा नहीं बनते, मतलब देखिए हम जो दिल्ली थे मुखर्जी नगर में, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, चाय का दुकान खोलते थे, भाजा, ये बहुत सारा चीज़ें सब बिजनेस में लगा हुआ। उसी तरह से पटना के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ये सब नहीं होता, और यहाँ देख भी रहे हैं रोहतास में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, और रोहतास के बाद ही पटना, और पटना के बाद स्थान आता है भोजपुर का, ठीक है। तो रोहतास में 73% है, और बात करें पटना का तो 70.68% है, और भोजपुर की बात करें तो 70.47% है, ठीक है। ये सर्वाधिक पढ़े लिखे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात कर दिया जाए, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये है आपका पूर्णिया, ये है आपका पूर्णिया, यानी कि यहाँ पे सबसे कम साक्षर वाले लोग रहते हैं, ये है पूर्णिया, और पूर्णिया के बाद है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के बाद है कटिहार। देखिएगा एक चीज़ है, जहाँ पे अधिकतर धर्म काम करेगा वहाँ पे लोग बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, आप देख लीजिए ये आंकड़ा है भाई, ये सर्वे है इसका। जहाँ पे धर्म ज़्यादा मतलब समझिए कि उछाल मारते हैं वहाँ पे एजुकेशन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ लोगों के दिमाग में ज़्यादा गोबर डाला जाता है। जैसे मैं देखिए आप देख लीजिएगा केरल में किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम ये हो जाता है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा धार्मिक किस्म के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये पूर्णिया में भी देखिएगा धार्मिक, और सीतामढ़ी तो देख ही लीजिए भाई, सीतामढ़ी तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही आपको बिहार में। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है। और साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है, ठीक है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार बिहार में कितना है, तो 61.8% है। इसमें पुरुषों का कितना है, 71% है, और बात करें महिलाओं का तो 51.5% है। अगर बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास हो जाएगा, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की अगर बात किया जाए तो पूर्णिया हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं इसको, देखिएगा इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। कितना प्रतिशत लोग साक्षर है भाई, यहाँ पे 82.88% लोग साक्षर है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है,
ये देखिएगा रोहतास में, और देखिए रोहतास में एक चीज़ और भी है, आप देखिएगा तो वहाँ पे गंगा का बहुत ही मतलब समझिए कि जो बाढ़ होड़ का जो समस्या आता है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पढ़ लिख करके ऑफिसर बनना चाहता है, जहाँ पे कोई ऑप्शन ना हो ना तो वहाँ पे लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि भाई ऑफिसर ही बनना या कुछ भी पढ़ लिख करके कुछ कर जाए, इसलिए ये भी एक समझिए कि पुशबैक बना। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है भाई, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला कहाँ पर, रोहतास में है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां पे है, तो पूर्णिया में है, ठीक है याद होगा। अब दूसरा देखिएगा पूछता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां है, तो रोहतास है। ये देखिए पुरुष में और महिला में रोहतास तो है, लेकिन न्यूनतम पुरुष में पूर्णिया है, लेकिन न्यूनतम महिला में पूर्णिया नहीं होगा, यह होगा सहरसा। 41.68% ही यहाँ पे साक्षरता है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में, पुरुष भी रोहतास में, लेकिन महिला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कहाँ पे, सहरसा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2001 में महिला की साक्षरता कितना थी भाई, तो 2001 में देखिएगा, अभी 2011 में देखे हैं हम लोगों ने 51.5% है, लेकिन 2000 अगर एक की बात करें, एक की जनगणना की बात करें, तो देखिए कितना कम पढ़ लिखे हो, 33.57% ही साक्षरता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये लोग भी काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जोर लगा के एकदम आगे बढ़ रहे हैं, 2021 का जब आएगा तो देखिएगा उसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो बहुत ही बीवी है, देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, नहीं नहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेड्यूल कास्ट है, ये हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गया, ये हो जाएगा गया, पूछा गया एक बार, पूछता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत वाला, ये भारत वाला पूछा गया था, ठीक है। भारत वाला अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, जब प्रतिशत की बात करेगा तो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति की अगर बात किया भारत में तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की अगर बात किया तो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोगों ने किया कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, गया है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये भी गया ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है भाई, तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे शिवहर हो जाएगा, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन होगा, शिवहर हो जाएगा। और फिर यही सवाल है, न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, तो आपको किशनगंज हो जाएगा, और किशनगंज कौन सा बहुल क्षेत्र, मुस्लिम की आबादी यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं, 15.9, यानी कि 16% लोग हैं यहाँ पे, बहुत बहुत ही ज़्यादा है, 16% के लगभग समय कहा जाता है कि लगभग 22-25% के अराउंड में 2021 में होने वाला है, सोचिए इतना ज़्यादा ये लोग जनसंख्या ये कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा होगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण को देखते हैं, यहाँ पे एक अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो नेपाल हो जाएगा, और इसके अगर पश्चिम में देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश से ही ये सीमा इसका लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है भाई, तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है। हमने सर्वाधिक एसटी वाला जिला कहाँ देखा, पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम एसटी वाला जिला कहाँ देखा, शिवहर में देखा, ठीक है। अब देखिएगा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला भी पश्चिम चंपारण ही होगा, ठीक है। सर्वाधिक एसटी वाला जिला पश्चिमी चंपारण, और प्रतिशत वाला भी जिला कौन होगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही भी है पूछा गया है, न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन है भाई, तो तीन गो है, याद रखिएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, 0.0%, 0.0 कितना है, 0.0%, ठीक है। ये न्यूनतम औरंगाबाद, खगड़िया, और यहाँ पे देखिए समस्तीपुर 0.0%। और कहा जाता है कि राज्य की कुल जनसंख्या का यहाँ देखिए प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का दिया है, 1.3% ही निवास करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा इनका विधानसभा में 2 सीटें रिजर्व है, कटोरिया और मनोहारी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए बिहार में जैसे कहा जाता है कि बिहार में कितने परसेंट, अभी तो आप देखिएगा कि 2011 का जनगणना कहता है कि 11.3% लोग शहर में निवास सब करने लगे हैं,
लेकिन अब 4% की बढ़ोतरी हो गई है। 2021 का आंकड़ा अगर देखेंगे तो 4% की वृद्धि हो गई है और वृद्धि होकर के 15.3% हो गया है। अब गांव के लोग भी शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा निवास करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। इसलिए देखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग शहर में बसते हैं, तो 11.3%। तो गाँव में कितने प्रतिशत रहते हैं, तो ये जोड़ लीजिए, 100 में से 11.3% घटाएगा तो आ जाएगा 88.7% लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं। ये आंकड़ा आपका 2011 का है, ठीक है। लेकिन 2021 में अगर देखिएगा तो 4% लोगों का शहर में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। जब शहर में बढ़ोतरी हुआ था तो 4% गांव वाले तो घट जाएंगे ना। तो ये देखिएगा 4% लोगों की वृद्धि हुआ है तो 15.3% क्या हुआ, शहर में निवास करने वाले हो गए, और गांव में 84.7% लोग निवास करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि सर्वाधिक शहर वाला जिला कौन है भाई, सर्वाधिक शहर वाला जिला कौन सा है, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं यहीं पे पटना में, तो सर्वाधिक शहर वाला जिला कौन सा है, पटना हो जाएगा, ठीक है। और कहता है कि सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला कौन हो जाएगा, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण वाला कौन हो जाएगा, तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, और सर्वाधिक शहर वाला जिला कौन हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये धार्मिक जनगणना है, यह धार्मिक जनगणना 2011 में निकाला जाता है, और यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, चाहे भारत की बात करें या बिहार की बात करें, तो हिंदुओं की संख्या बिहार में कितना है, 82.69% है। उसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक संख्या किसका है, मुस्लिम का है। और एक चीज़ देखिए, पूरी दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, ईसाइयों का है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, ईसाइयों का है, और दूसरा स्थान है इस्लाम का, मुस्लिमों का, तीसरा स्थान आता है हिंदुओं का, ठीक है। और ये भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू है, उसके बाद दूसरा स्थान आपका मुसलमान का होगा, और तीसरा स्थान ईसाई का होगा, चौथा बौद्ध का हो जाएगा, और उसके बाद सिख का होता है, उसके बाद जैन का होता है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, बौद्ध और जैन में, बौद्ध हमारे भारत का मतलब समझिए कि यही धर्म था जो रियलिस्टिक में कहा जाए तो सारे लोगों को एक समान एक सूत्र में बांध कर रख दिया था। इस समय की अगर राज्य के बारे में पढ़िएगा तो इसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव कुछ भी ऐसा नहीं था। ये जो धर्म था विज्ञान पर आधारित था। इसको ब्राह्मण या हिंदू धर्म या कह सके तो मतलब जो हिंदू क्या मतलब बहुत सारा ये चीज़ आता है, इन लोगों ने इस धर्म को अपने ही भारत में इसका जन्म हुआ और भारत के द्वारा विदेशी धर्मों के द्वारा इसको क्या किया, बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक चीज़ है जो बताना चाहते हैं, देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन है, जैन वाले सबसे ज़्यादा साक्षरता यहीं पर आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता, ठीक है। जैन और बौद्ध ये वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये सीरीज आपको समाप्त हो गया। 2021 में अगर जनगणना आती है तो फिर देखा जाएगा। तो अगर ये हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ से एक भी सवाल इसलिए नहीं छूटेंगे कि थोड़ा सा एक बार या दो बार आप रिवाइज करते हैं तो इतना ही से आ जाएगा। ज़रूरी नहीं इसको बार बार रटिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मैप लगा लीजिए, मैप पर देख लीजिए। हम लोग मैप से ही आइस की हम लोग वो कर रहे थे, प्रिपरेशन जब तैयारी हो रही थी तो हम लोग मैप से सब कुछ किया करते थे। तो मैप से अगर आप भी करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। मैप से हम इसलिए नहीं बता पाए कि पता नहीं आप लोगों क्या ये होगा, मैप बहुत ही आसान होता है मैप, क्योंकि आप लगा लीजिए और जितना भी आपका जिला दिखेगा ना, सब जिला में कम से कम एक बार स्टडी कर लीजिए ताकि दोबारा में आपको कोई दिक्कत ना होगा। अगर ये हमारा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम आपको और ज़्यादा कुछ मतलब एक मोटिवेट होकर के आपको बहुत सारा चीज़ें पढ़ा सके। हमारा अभी क्लास चल रहा है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी चल रहा है, और पॉलिटी का तुरंत स्टार्ट होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ सुबह का करेंट अफेयर्स भी है और संपूर्ण करेंट अफेयर्स का भी एक सीरीज चल रहा है। और इस तरह से छोटे छोटे बहुत ही सारे जैसे बजट्स, ये सारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट से देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से देखिएगा, वन रिपोर्ट से देखिएगा, जनगणना से देखिएगा, इसी तरह से बहुत सारे कंटेंट है जो हम आपको कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।